हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल टू एवरीथिंग एट वन। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश आर्म फोर्सेस से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तो क्या है ये पूरा मामला, सब कुछ जानेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश आर्मी के द्वारा इस्तेमाल किया गया एक ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में जिसको बांग्लादेश में ही तैयार किया गया है। यानी कि इस एयर डिफेंस सिस्टम को आप मेड इन बांग्लादेश एयर डिफेंस सिस्टम भी कह सकते हो, जिसका नाम है FN-16 और ये एक मैन पैड यानी कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको पहली बार डेवलप किया गया था चाइना में और उसके बाद चाइना का आर्मी भी इस एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल कर रहा है और अब तक इस एयर डिफेंस सिस्टम का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। बांग्लादेश 2017 में चाइना से इस डिफेंस सिस्टम के टेक्नोलॉजी को खरीद लिया था और उसके बाद से बांग्लादेश में ही इस एयर डिफेंस सिस्टम को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, जिससे बांग्लादेश के सारे टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स को एक काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है एयर डिफेंस सिस्टम को मैन्युफैक्चर करने का। और जब पहली बार के लिए बांग्लादेश में ये एयर डिफेंस सिस्टम तैयार होने जा रहा था, तब चाइना के तरफ से बांग्लादेश के टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स को हेल्प किया गया था और उसके बाद से अब बांग्लादेश में ही लोकली इस एयर डिफेंस सिस्टम को प्रोड्यूस किया जा रहा है, जो कि बांग्लादेश की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। और ये एयर डिफेंस सिस्टम का मैन्युफैक्चर होना एक माइलस्टोन जैसा है बांग्लादेश के डिफेंस इंडस्ट्री के लिए। अब यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि ये तो सिर्फ एक मैन पैड यानी कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसका रेंज भी उतना ज्यादा नहीं होता है। तो इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम का टेक्नोलॉजी खरीद कर ज्यादा प्रॉफिट होता है या नहीं, तो इसके जवाब में मैं आपको बता दूं कि पहली बार के लिए कोई भी देश एक लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं होता है। और अगर दूसरे किसी देश से आप इस तरह के टेक्नोलॉजी हासिल नहीं कर सकते हो, तो इसको पूरी तरह से इंडिजिनियस से डेवलप करना काफी मुश्किल है, क्योंकि लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसके बदले इसी में ही भलाई है कि पहले मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम को मैन्युफैक्चर करके एक्सपीरियंस मिलने के बाद धीरे धीरे मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के तरफ बढ़ा जाए। और अब FN-16 को लेकर थोड़ा सा बात कर लेंगे, लेकिन उसके पहले ये जान लेंगे कि किसी भी देश के आर्मी के लिए मैन पैड यानी कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही बैटल फील्ड में इस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और लो अल्टीट्यूड से उड़ने वाले एयरक्राफ्ट या फिर ड्रोन को शूट करने में मैन पैड काफी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। दोस्तों, मैन पैड को एक सोल्जर के द्वारा कैरी किया जाता है और जो सोल्जर इसको कैरी करता है वही मैनुअली इस एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल को मैनुअली शूट करता है फ्लाइंग टारगेट के तरफ। और ये बात भी सही है कि सब तरह के फ्लाइंग टारगेट्स को शूट डाउन करने के लिए मीडियम या फिर लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम का कीमत बहुत ही ज्यादा होता है और क्रिटिकल एरिया में व्हीकल बॉर्न मीडियम रेंज या फिर लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय करना भी काफी मुश्किल काम होता है। तो इन्हीं सब रीजन के लिए आज भी तकरीबन दुनिया के सभी आर्मी में मैन पैड काफी ज्यादा पॉपुलर है और चाइना का बनाया हुआ ये FN-16 काफी अच्छा और एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है पूरे दुनिया में और सीरिया के जंग में काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है। और अब बात कर लेंगे FN-16 के कुछ स्पेसिफिकेशन के ऊपर। सबसे पहले जान लेंगे किस तरह के टारगेट्स को इस एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा शूट किया जा सकता है। फाइटर बॉम्बर, अटैकर, आर्म्ड हेलीकॉप्टर, UAV और क्रूज मिसाइल को इस एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा शूट डाउन किया जा सकता है। इफेक्टिव ऑल्टीट्यूड मिनिमम 10 मीटर, मैक्सिमम 4000 मीटर। इफेक्टिव स्लैंट रेंज मिनिमम 500 मीटर, मैक्सिमम 6000 मीटर। मैक्सिमम कोर्स शॉर्टकट 3000 मीटर। सिंगल शॉट किलिंग प्रोबेबिलिटी मोर देन 80%, यानी कि एक बार में किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को शूट डाउन करने का पॉसिबिलिटी 80% से भी ज्यादा है इस एयर डिफेंस सिस्टम में, जो कि काफी अच्छा है। डायमीटर 72 मिलीमीटर, लेंथ 1600 मिलीमीटर, वेट 11.5 kg, फ्लाइट वेलोसिटी 600 मीटर पर सेकेंड, ओवरलोड 18 ग्राम, टोटल वेट 18 kg, टोटल लेंथ 1.7 मीटर, गाइडेंस सिस्टम इंफ्रारेड या फिर अल्ट्रावायोलेट डुअल कलर रोज स्कैन, गाइडेंस एक्यूरेसी अगेंस्ट हेलीकॉप्टर 95%, अगेंस्ट जेट 95%। तो अगर थोड़ा सा डिटेल में देखा जाए तो FN-16 बहुत ही अच्छा मैन पैड यानी कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है दुनिया के दूसरे मैन पैड के मुकाबले और टेक्निकली काफी सुपीरियर एयर डिफेंस सिस्टम है। अब अगर कीमत की बात करते हैं तो इस एयर डिफेंस सिस्टम का नॉर्मल प्राइस है $25,000 से लेकर $28,000, लेकिन बांग्लादेश में लोकली मैन्युफैक्चर करने के बाद इस एयर डिफेंस सिस्टम का प्राइस आ रहा है $13,000 से $15,000, जो कि काफी कम है। और इस एयर डिफेंस सिस्टम का मिसाइल की कीमत है $3,000 से लेकर $5,000 तक। और बांग्लादेश के पास इस एयर डिफेंस सिस्टम का टेक्नोलॉजी अवेलेबल होने से बांग्लादेश जितना चाहे उतना इस एयर डिफेंस सिस्टम को मैन्युफैक्चर कर सकता है। तो अगर ओवरऑल देखा
जाए, ये एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ था बांग्लादेश के सारे डिफेंस एंथुसियास्ट के लिए। तो यही था आज का ये पूरा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है वो नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताइए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।